हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपोजिट अल्फाबेट लेटर पेयर। और देखो, सबसे पहले मैं यहां पे ये बात बताता हूं कि अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाला है, आप वहां से अल्फाबेट के नंबर भी याद कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में अल्फाबेट के जो अपोजिट लेटर होते हैं उसको हम डिस्कस करने हैं। अच्छा, बात आती कि अल्फाबेट के अपोजिट लेटर क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक बेसिकली बात बताता हूँ, जैसे ए होता है, ए स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर होता है, और जेड क्या होता है, हमारे पास लास्ट का लेटर होता है। तो जैसे यहाँ पे इसकी तो रैंकिंग क्या होती है, फर्स्ट होती है, लेकिन स्टार्टिंग से अगर मैं लास्ट से बात करूं तो लास्ट से रैंकिंग वन जो होगी वो जेड की होगी। तो हम क्या करते हैं, ए और जेड के पेयर बना देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे आने वाले टॉपिक कुछ जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज, ये चार टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें इन सभी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि अल्फाबेट के नंबर हुए और अल्फाबेट अपोजिट लेटर हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेट्स के अपोजिट लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, एक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहला जो हमारे पास पेयर होता है वो क्या होता है, वो है ए जेड। ए जेड को हम कैसे याद रखेंगे, देखो मैंने यहाँ पे आजाद जी की फोटो बनाई है, फोटो यहाँ पे लगाई हुई है, उससे क्या है, और यहाँ पे देखो अलग से मैंने ये एक इंडिकेशन दिया गया है कि ये ए और जेड का पेयर बनेगा। तो आप आजाद जी के नाम से ए और जेड का पेयर को याद रखेंगे, उससे क्या होगा, आपके देखो यहाँ पे फोटो लगाने से ये होगा कि आपके माइंड में हमेशा इनकी फोटो बनी रहेगी। उससे क्या होगा कि ए और जेड आपको हमेशा याद हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले पेयर पर आते हैं। अगला पेयर है यहाँ पे बी और वाई का। देखो तो यहाँ पे छोटे से बच्चे की फोटो लगाई जिसको हमने क्या बोला, बॉय बोला है। अब बी और वाई में बी और वाई का ये पेयर होता है जो कि मैंने यहाँ पे रेड से मार्क किया गया है। तो आप बॉय से बी और वाई का पेयर को याद रखेंगे। नंबर तीन बात आती है, नंबर तीन है हमारे पास सी एक्स। सी एक्स को देखो यहाँ पे मैंने फोटो लगाई हुई है किसकी, क्रैक्स की। तो आप क्रैक्स से ये बात ध्यान रखें कि सी और एक्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं। अगर आपको कहीं सी का अपोजिट लेटर की जरूरत है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और अगर आपको कहीं एक्स के अपोजिट लेटर की जरूरत है तो वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। क्लियर। चलो नंबर चार की बात हम करते हैं, डी डब्ल्यू। देखो यहाँ पे मैंने एक सुंदर सी फोटो लगाई है किसकी, माउंटेन ड्यू की। जैसे कि आप लोग सभी पीते हैं माउंटेन ड्यू, तो डी डब्ल्यू का पेयर हम याद रखेंगे ड्यू वाले वर्ड से, क्योंकि इसमें डी और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। हम इसको ये भी कहते हैं कि डर के आगे जीत है। अगला आता है हमारे पास यहाँ पे ईवी। अब देखो ईवी को हम दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे ईवन, जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर इवन और ऑड सिस्टम चलता रहता है, केजरीवाल जी लगाते रहते हैं, तो वहां से ईवी हो जाएगा। या फिर इवन नंबर होते हैं जिनको सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, वहां से भी याद रख सकते हैं। या इसका और एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, अगर यहाँ पे आप ING और ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इवनिंग। तो मैंने यहाँ पे देखो ईवी के लिए दो चीजें ड्राइव की गई है यहाँ पे, एक तो है इवन और एक क्या है यहाँ पे इवनिंग। ये इवनिंग का फोटो है, ये इवन। तो जिस भी वर्ड से आप ई और वी के पेयर को याद रख सकते हो आप उससे याद रख सकते हैं। क्लियर। अगला है हमारे पास एफ यू। अब देखो एफ यू को हम क्या याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये फुल। तो एफ यू में क्या होता है, फुल से आप याद रखें कि एफ और यू का ये पेयर होता है फुल, ठीक है। और यहाँ पे ये इस इमेज को ध्यान रखेंगे फुल। और कभी कभी एक गाना भी था कि लड़की ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी को तो हटा दो, ये हमारे पास गाना था कि ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फुल को याद रखेंगे, ब्यूटी से हमें कोई लेना देना है नहीं है। क्लियर। चलो अगले वाले वर्ड पे आते हैं। अगला लेटर है हमारे पास जीटी। अब देखो जीटी को मैंने डिनोट करा गया है जीटी रोड से, क्योंकि ये आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। और यहाँ पे ये जीटी रोड का मैंने एक फोटो भी दिखाया गया है। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कमेंट में, मेरे को ये मेंशन करना कि जीटी रोड किसने बनवाया था, ठीक है ना, ठीक है, किसने बनवाया था ये, और ये रोड कहाँ से कहाँ तक बनी हुई है। और तीसरी बात आप यहाँ पे इसमें मेरे को कमेंट में मेंशन करके देंगे कि टाइम कब बनवाया था, किसने बनवाया है और किस डेस्टिनेशन से कहाँ तक बनाया गया था, ठीक है। तो जीटी वाले वर्ड को आप जो लेटर हैं उनको आप याद रखेंगे जीटी रोड के साथ में। क्लियर। अगला लेटर आता है एच एस। अब देखो एच एस के लिए मैंने कितना सुंदर सी फोटो बनाई है यहाँ पे, तो आप इनको देख के समझ गए होंगे। ये है क्या, हमारे पास हनी सिंह। तो एस हनी का एच और सिंह का एस उठाएंगे, यहाँ पे एच और एस का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका भी सब्स्टिट्यूट चाहिए तो आप इसको याद रख सकते हो, जैसे कि आप सब लोग हाई स्कूल से पास होंगे, ठीक है, तो आप इसको हाई स्कूल से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एच है, हाई का एच और एस का स्कूल, ठीक है ना। तो आप ये दोनों भी में से कोई से भी एक याद रख सकते हैं। क्लियर।
अगला लेटर आता है हमारे पास आई और आर। आई और आर को देखो मैंने यहाँ पे डिनोट किया गया है इंडियन रेलवे। आप इंडियन रेलवे याद रखेंगे तो यहाँ पे इंडियन रेलवे आई आर का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इंडियन रेलवे, जब भी कोई रेलवे की बात करेगा तो आप मन में ये इमेजिन करेंगे कि वो क्या है, इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे है तो आई और आर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं हम, आगे आता है हमारे पास जेक्यू। अब देखो जेक्यू के लिए मैंने क्या मेंशन किया है, देखो यहाँ पे ये कुछ ताश के पत्ते रखे हुए हैं जिसमें क्या है, एक हमारे पास तो है जे और ये क्या है क्यू। तो यहाँ पे क्या था, जे जे और क्यू इनका एक ऑर्डर होता है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे ऊपर क्या होता है, के होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, के होता है, और फिर क्या आता है, क्वीन आता है, और फिर क्या आता है, जे आता है, और उसके नीचे क्या आता है, टेन आता है। ठीक है, तो क्यू के नीचे जो एक छोटा ऑर्डर होता है वो जे जे आएगा, और जे से छोटे ऑर्डर को क्या क्या हम कहते हैं, दस आएगा। ठीक है, तो जे और क्यू का एक पेयर होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जेट और क्यू। ठीक है, और अब आपको मैं एक बात और याद दिला दूं, यहाँ पे जे का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 10। तो आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि जे से जो छोटा पत्ता होता है वो कौन सा होता है, 10 का होता है। क्लियर। अगला लेटर है हमारे पास केपी। अब देखो केपी को हम किस तरीके से याद रखेंगे, मैंने यहाँ पे देखो एक कानपुर की फोटो लगाई है। ठीक है, कानपुर की फोटो लगाई है, तो हम इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है केपी को कानपुर। ठीक है, केपी को कानपुर, कानपुर मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साथ में जो हमारे पास कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था पीके, तो आप पीके से भी याद रख सकते हैं। केपी, केपी कानपुर से भी याद रख सकते हैं और पीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कानपुर, कानपुर किस चीज के लिए फेमस है, कानपुर किसके लिए फेमस है। ठीक है, इस बात का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि कानपुर एक ऐसी जगह है कि वो कुछ स्पेशली है वहां की, वो उस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, और अच्छे, बहुत अच्छे से जाना जाता है। ठीक है, तो पी का के को हम ऐसे याद रखें, कानपुर से। ठीक है, अगला लेटर आता है हमारे पास एल ओ, लव। ठीक है ना, मैंने देखो एल का नंबर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एल का नंबर 12 होता है, और मैंने इसको कैसे बताया था कि 12th क्लास में अक्सर लव हो जाता है, प्यार व्यार हो जाता है, तो अब इसी को मैंने यहाँ पे डिनोट करा कि एल ओ। देखो ये इतना प्यारा वर्ड है, क्या करूं मैं, छोड़ता नहीं हूँ उसको कि एल ओ। तो यहाँ पे इस एल ओ से आप इसका याद रखें कि एल ओ। अब इस, ये जो हमारे पास वर्ड है एल ओ, मैं देखो अलग कलर से डिनोट करता हूँ इसको, और ये है यहाँ पे वी ई। अब मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में बिल्कुल दोनों दो पेयर है, एल ओ एल का पेयर है, वी ई अगर आपको याद होगा ईवी मैंने बताया था अभी। ठीक है ना, तो ये लव में दो पेयर हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, तो एल का पेयर ओ होता है और वी का पेयर ई, या ई का पेयर वी, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सॉरी अगला लेटर है हमारे पास, अगला लेटर है हमारे पास एम और एन। एम और एन के लिए देखो मैंने यहाँ पे, अगर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एम का नंबर कितना होता है, 13, क्योंकि 13वें प्राइम मिनिस्टर थे कौन, हमारे मनमोहन जी, और एन का नंबर क्या होता है, 14वां, और क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन साहब, और उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो कौन है, नरेंद्र जी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो नाम, पहले कौन थे हमारे पास, मनमोहन साहब, और बाद में कौन आए थे, नरेंद्र जी। ठीक है, या फिर आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे एम और एन, एम और एन को मैंने एक वर्ड और लिखा गया यहाँ पे, एम ई एन, मैन से। या अगर और भी आपको इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए तो आप इसको याद रख सकते हो एम ए एन जी ओ, मैंगो से। तो देखो इसमें भी एम ए एन है, वो एम और एन का पेयर है। क्लियर, तो ये हमारे पास अल्फाबेट्स के अपोजिट लेटर थे। ठीक है, जिसको हमने क्या किया है कि याद करने की कुछ ट्रिक बताई गई है, और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज लिए गए हैं। उससे क्या होता है कि फोटोज देखने से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। क्लियर, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।